खमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम तिघरा स्थित दुर्गा मंदिर के पास दिलीप दाहिया नामक युवक की धारदार हथियार और डंडों से हमला कर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी करण बिसेन ने अपने पिता के साथ हुई मारपीट का बदला लेने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। खमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम तिघरा में गुरुवार की रात दिलीप दाहिया नामक युवक पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार और डंडे से हमला कर दिया था। इस घटना में घायल दिलीप दाहिया की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया था और आरोपियों की पतासाजी शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने तिघरा निवासी करण बिसेन को अभिरक्षा में लिया, जिसमें पूछताछ में बताया कि दिलीप दाहिया और नितिन शर्मा ने उसके पिता गोविंद बिसेन से मारपीट की थी और इस मारपीट का बदला लेने के लिए उसने अपने साथी गगन टिंगरे, समन यादव, पीयूष यादव और जुबैद अली उर्फ फैजान खान के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया है और उनसे घटना में उपयोग की गई 2 मोटरसाइकिलें और हथियार जब्त कर प्रकरण की जाँच की जा रही है।